नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टूडेंट। दोस्तों हमारा चैनल स्पेशली तैयारी कराता है यूपी पुलिस की, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तो आपसे निवेदन है नीचे एक लाल बटन बना होगा जिसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर लगातार आपको यूपी पुलिस की तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं आज की वीडियो में क्या खास है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने पार्ट होते हैं और कितने शेड्यूल होते हैं और कितने आर्टिकल होते हैं ये पढ़ेंगे। प्रेजेंट टाइम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 26 पार्ट हैं, 26 पार्ट्स हैं और 450 प्लस आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं, शेड्यूल है प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से। पार्ट वन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट वन में आता है। और कितने पार्ट तक आता है, कितने आर्टिकल तक आता है, 1 से 4 तक। पार्ट टू में आते हैं, पढ़ेंगे हम लोग सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ये आर्टिकल 5 से 11 में आते हैं और पार्ट टू में आता है, ये याद रखिएगा, पार्ट ज़रूर याद रखिएगा। पार्ट थ्री, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और ये आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं। इसका एक और पार्ट करके लिख दीजिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगला है पार्ट फोर, पार्ट फोर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी DPSC बोला जाता है। ये आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आता है। आते हैं पार्ट फाइव में जो है, पार्ट फाइव में जो है क्या कहते हैं, द यूनियन ये आता है आर्टिकल 52 से 151 के बीच में, ठीक है। पार्ट सिक्स में आता है द स्टेट, पार्ट सिक्स में आता है द स्टेट्स, ये आर्टिकल 157 तक है। फिर आता है पार्ट सेवन, द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल आर्टिकल 230 में आता है। मज़ेदार बात यह है कि ये अब डिलीट कर दिया गया है, डिलीटेड। पार्ट एट है द यूनियन एंड टेरिटरीज। इसमें और फर्स्ट पार्ट में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों की मीनिंग बहुत ही अलग है। टेरिटरीज आर्टिकल 239 से 242 के बीच में। फिर पार्ट नाइन, उसमें आता है द पंचायत और उसके भी कुछ पार्ट हैं, जैसे ए करके लिख लीजिएगा, नगर पंचायत
नगर पंचायत, फिर बी करके लीजिएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके आर्टिकल हैं 243, क्योंकि द पंचायत भी 243 में ही आता है, तो इसके पार्ट हैं तो आर्टिकल 243 ही होगा। अगला पार्ट है पार्ट 10, पार्ट 10 SC and ST, आर्टिकल 244 में आते हैं। फिर है पार्ट 11, पार्ट 11 द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, आर्टिकल 245 से 263 आते हैं पार्ट 12 पे। इसमें आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 264 से 300। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।